उससे पहले कि आप लोग इससे पैसे निकालो, तो कैसे निकालेंगे, कैसे सेफली अपने अकाउंट में पैसे डालेंगे? तो ये देखें, आपको यूएसडीटी में आपने कन्वर्ट कर लिए हुए थे अपनी अपने कॉइन्स, तो फिर आप सेल पे आ जाएं। सेल पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपने $10,000 कमाए हुए हैं तो उसमें से आपके ऑलमोस्ट $1,000 आपका फी में चला जाता है। तो अगर आप लोगों ने $1,00,000 कमाए हैं तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी पैसे बनाए हैं तो आप लोगों के आगे एक और प्रॉब्लम आएगी, जिसको कहते हैं कि कैसे आप लोगों ने सेफली पैसे अपने अकाउंट में डालने, अपनी जेब में कैसे डालने। अब ये प्रॉब्लम आएगी कि इससे पहले कि क्रिप्टो करेंसी नीचे चली जाए, आपके पैसे जो है ना, जो आपने कमाए हैं, जो बैलेंस आपके अकाउंट में नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल जीरो हो जाए, उससे पहले कि आप लोग इससे पैसे निकालो, तो कैसे निकालेंगे, कैसे सेफली अपने अकाउंट में पैसे डालेंगे? अगर आप फाइनेंस के ऊपर हैं, किसी भी और एक्सचेंज के ऊपर हैं, तो एक चीज़ आप लोगों को पता लगेगी, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे कैश में, आया कि वो कन्वर्ट नहीं होगी कैश में, क्योंकि बहुत सारे जो लोकल कंट्रीज़ के रूल्स और रेगुलेशन हैं, उनके तहत जो है ना, जो एक्सचेंजेस हैं, जो जितने भी क्रिप्टो के एक्सचेंजेस हैं, वो रिकग्नाइज नहीं है, तो वो अलाउ नहीं करते उनको पेमेंट कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर कुछ अलाउ करते भी हैं तो उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है, तो 10% तक फ़ी है। जैसे कि crypto.com जो है वो अराउंड 7% to 8% चार्ज करती है, जिसकी वजह से अगर आपने $10,000 कमाए हुए हैं तो उसमें से आपके ऑलमोस्ट $1,000 आपका फ़ी में चला जाता है। तो अगर आप लोगों ने $1,00,000 कमाए हैं तो आपकी फ़ी के ऑलमोस्ट $7,000-$10,000 जाते हैं। अगर आप वो सेव करना चाहते हैं और सेफली अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाह रहा हूं कि एक राउट जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा और बहुत सारे पेमेंट भी आपकी बचेगी और सिक्योर भी होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, बाइनांस के ऊपर सारी क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर लेनी है, क्योंकि बाइनांस एक ऐसी एक्सचेंज है जो सो फार सबसे लोएस्ट फीस ऑफर कर रही है। इनकी फीस सबसे लोएस्ट है, 0.1% है, एंड आई रियली लाइक दैट। तो इसमें बहुत ज़्यादा सेविंग यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हो गई, आपने सारे कॉइन अपने ट्रांसफ़र कर लिए अपने वॉलेट में, यहाँ पे ले आए बाइनांस के ऊपर। जैसे ही बाइनांस के ऊपर आ गए, जितनी अमाउंट को, जितनी भी आपके कॉइन्स हैं, आपको पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो आने वाला है, जो है ना, डिप आने वाली है, प्राइसेस क्रिप्टो के नीचे जाने वाली हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, उनको कन्वर्ट कर लेना है USDT में, ठीक है। डाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, USDC में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप लोग ये सोचते हो कि USDT में नहीं हम करना चाहते, क्योंकि कम लेस सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप दूसरे भी स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जिन लोगों को स्टेबल कॉइन का पता नहीं है, वो ये है स्टेबल कॉइन की इसकी जो प्राइस होती है स्टेबल रहती है, ये बैक्ड बाय जो है ना यूएस डॉलर के होते हैं, तो इनकी प्राइस इक्वल टू डॉलर रहती है, ये एक डिजिटल डॉलर है, इनकी इसकी प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती। तो आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया अपनी क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि मोस्टली जो है कंपनी, जो जितने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, यूएस इन स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करते हैं, स्टेबल कॉइन में अपनी वैल्यू को पार करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखें 24 आवर वॉल्यूम 91 बिलियन USDT में वो हुआ है, देखिए तीसरे नंबर पे है, मतलब आप देख सकते हैं कि सोलाना में 53 बिलियन का जो है ना इसकी मार्केट कैप है, लेकिन इसकी मार्केट कैप कितनी है, 91 बिलियन है, और 24 आवर वॉल्यूम देख सकते हैं इसका 5.6 बिलियन है और इसका 58 बिलियन है। इसका मतलब है जितने भी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना अमाउंट को कन्वर्ट कर देते हैं USDT में। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने क्रिप्टो ले आए, उसके बाद USDT में कन्वर्ट कर लिए, ये एक ऐसा स्टेप भी है जिसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है, आप सोच रहे हैं कि आपकी क्रिप्टो की करेंसी की प्राइस नीचे ना चली जाए, तो आप उसको USDT में कन्वर्ट करके बैठ जाए। अगर आपने कैश अपने अकाउंट में नहीं डालना, दोबारा इन्वेस्ट करना, तो USDT में कन्वर्ट करके स्टेबल होकर बैठ सकते हैं, तो प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आप लोगों ने अपने बैंक में पैसे डालने हैं, तो बैंक में विड्रॉ का ऑप्शन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा, मसले कर रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल लॉज और रेगुलेशन जो है ना, वो सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, P2P का फ़ायदा उठाना है, पर्सन टू पर्सन। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि P2P क्यों, कैसे इस्तेमाल करना है। P2P में मैं एक और वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि P2P में जो है ना, आप कैसे ट्रेड बाई कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना पैसा अपनी जेब में कैसे डालना है सेफली तरीके से। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बाय वाया P2P बाय पे चले जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेल भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये देखें, आपको USDT में आपने कन्वर्ट कर लिए हुए थे अपनी अपने कॉइन्स, तो फिर आप सेल पे आ जाएं। सेल पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये कह रहा है मैं 50 से 70 pounds देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं इतने का ऑर्डर लूँगा, मोन्जो से ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। ये आपको बैंक ट्रांसफ़र ले रहा है, 949 का एक ऑर्डर आपसे लेगा। आप इसको क्लिक करेंगे सेल, तो इसकी अमाउंट ऑलरेडी इसमें डिपॉजिट हुई पड़ी है, और ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, और आपके अकाउंट में से जो USDT हैं वो लॉक होकर उधर चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये देखें, यहाँ पे 4,000 pounds है,
देखें 1000 पाउंड है, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपकी रेंज है, जितने भी आपके पास यूएसडीटी है, आपके पास सेलिंग की ऑप्शन आपको मिल जाती है। और ये वो लोग होते हैं जो आपको पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, या वेस्टर्न यूनियन आते हैं या बैंक ऑफ अमेरिका, जो भी व्हाटएवर, जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आते हैं और उसमें जो है ना कोई क्रिप्टो का कोई भी रेफरेंस नहीं होता। आप इसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन अपनी डालना चाहते हैं तो अपनी भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है जिससे आप साफ सुथरे तरीके से अपने पैसे साफ सुथरे तरीके से कम से कम फी दे के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगा कि ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि अब वो टाइम आने वाला है जब लोग सेलिंग स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी में, और सेल करने के बाद उनको समझ नहीं आएगी कि वो पैसे कैसे सक्सेसफुली अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। आई होप कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को इसमें से सीखने को मिला होगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे और लोगों को भी ज़रूरत होगी इसकी। और आपके अगर दोस्त हैं वो जो क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं तो उनको भी बताएं कि कैसे होगा, क्योंकि अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो बहुत अच्छा फील करेंगे, और आप लोगों की भी रिस्पेक्ट उसमें बढ़ेगी कि आप लोगों ने उनको टाइमली एक अच्छी सजेशन और एडवाइस दी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो या खुद बताओ उसको उनको, ताकि उनका उनका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।